हेलो हेलो, कहाँ से आए हो दीदी? मैं सुवासा से आई हूँ। सुवासा? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे है सुवासा? तालेड़ा के पास पड़ता है। तालेड़ा के पास में जी। अच्छा, क्या लेने आए हो दीदी? गाना रिकॉर्डिंग करवाने आई। थोड़ा सा जोर से बोलो। गाना गाने आई थी। अच्छा अच्छा, सर मत बोलो मेरे को। मैं दीदी बोल रहा हूँ ना आपको। भाई भैया ही बोल दो आप तो, है ना? तो दीदी गाना गाने आए हो? हाँ जी। अच्छा, ये रजिस्टर में लिखा हुआ गाना आप ही का है ना? हाँ जी। अच्छा दोस्तों के, अच्छा नाम क्या आपका? सावित्री शर्मा। सावित्री शर्मा जी। अच्छा सुवासा से है ना? सुवासा क्या गांव आपका या मतलब ससुराल है? अच्छा पियर है आपका, और ससुराल? कोटा है। अच्छा ससुराल कोटा है, तो गाना गाने आ गए आप। क्या जॉब करते हो? सर मैं अध्यापिका हूँ। अच्छा थोड़ा जोर से बोलो। अध्यापिका हूँ। अच्छा टीचर हो? हाँ जी। अच्छा कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो, मतलब कहाँ तक? मिडिल स्कूल तक के, उसमें जॉब करते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों सावित्री शर्मा आए हैं सुवासा से, सुवासा है ना, और रहते कोटा है ये, तो आज आए हैं ये गाना गाने के लिए, जो कि आपको अभी बहुत ही प्यारा गाना मतलब गा के सुनाएंगे। तो राजा राम स्टूडियो में इनका स्वागत है, और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों से निवेदन है कि गाने में ज़्यादा प्यार दे, लाइक दे और कमेंट दे। दीदी बहुत ही अच्छा गाएगी, है ना दीदी? तो आपके चैनल वगैरह भी है क्या? कुछ कुछ नहीं है सर, पहली बार आई हूँ। अच्छा चैनल वगैरह, इंस्टाग्राम आईडी कुछ नहीं चलाते हो? नहीं नहीं चलाते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलाओ तो बता देना अगले वीडियो में, जो आपके भी फॉलो बढ़ाएंगे फिर, है ना? तो एक बार थोड़ा सा गा के सुनाइए दीदी, है ना? फिर आपकी ट्रेक लगाते हैं। थोड़ा सा पास आओ और मतलब ध्यान रखो, छोड़ो एक बार। हाँ उड़ जा रे काले से काग, मेरी माँ ने जाके कह दिए। अच्छा ये गाओगे? हाँ जी। अच्छा दीदी बहुत ही अच्छी आवाज आपकी, तो मतलब मीठी आवाज है, मीठी कैसी आवाज है? आप तो हंस रहे हो ऐसे जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया गा रहे हो आप। एक बार और थोड़ा खुल के। उड़ जा रे काले से काग, मेरी माँ ने जाके कह दिए। उड़ जा रे काले से काग, मेरी माँ ने जाके कह दिए। क्या बात है, मौज हो गई। राजू जी ट्रैक लगा जो दीदी के। दोस्तों दीदी पहली बार आए हैं इसलिए थोड़ा सा नर्वस सब होते हैं, बाकी अच्छा गा रहे हैं ना। अभी मतलब ट्रैक में गवाएंगे इनको अच्छा वाला। गलती होगी ना जहाँ पे बता दूंगा, आप पूरा गाना गाओ, है ना? उड़ जा रे काले से काग, मेरी माँ ने जाके कह दिए। उड़ जा रे काले से काग, मेरी माँ ने जाके कह दिए। दोस्तों मतलब थोड़ा सा मतलब चूक गए हैं दीदी, फर्स्ट बार सब चूकते हैं, और अब इनको सही ट्रैक पे लाते हैं ना। ठीक है दीदी, सही ट्रैक पे लाते हैं आपको, आपने उल्टी ट्रैक में गाया है ना, बाकी गाया अच्छा है। एक बार और गाओ। उड़ जा रे काले से काग, मेरी माँ ने जाके कह दिए। वो तेरी बेटी के हो आनंद लाल, तेरी बेटी मांगे पीड़िया। वो तेरी बेटी के हो आनंद लाल, तेरी बेटी मांगे पीड़िया। उड़ जा रे काले से काग, मेरी बेटी ने जाके कह दिया। उड़ जा रे काले से काग, मेरी बेटी ने जाके कह दिया। वो घर में बहू बेटी
से भेजा बीड़िया। वो घर में बहु बेटियाँ का यो राज हम किसे भेजा पीड़िया। उड़ जा रे काले से काग मेरी भाबिन जाके कह दिया। उड़ जा रे काले से काग मेरी भाबिन जाके कह दिया। वो तेरी ननदन के हो आनंद लाल तेरे ननदी मांगे पीड़िया। वो तेरी ननदन के हो आनंद लाल तेरी ननदी मांगे पीड़िया। उड़ जा रे काले से काग मेरी ननदी ने जाके कह दिया। उड़ जा रे काले से काग मेरी ननदी ने जाके कह दिया। रिवा तो रोज जाने की नंद लाले हम कितना भेजा पीड़िया। रिवा तो रोज जाने की नंद लाले हम कितना भेजा पीड़िया। उड़ जा रे काले से काग मेरी बहनन जाके कह दिया। उड़ जा रे काले से काग मेरी बहनन जाके कह दिया। तेरी बहना के हुआ नंद लाल तेरी बहना मांगे पीड़िया। उड़ जा रे काले से काग मेरी बहनन जाके कह दिया। रिवा तो रोज जाने की नंद लाले हम रोज ही भेजा पीड़िया। रिवा तो रोज जाने की नंद लाले हम रोज ही भेजा पीड़िया। उड़ जा रे काले से काग मेरी माँ ने जाके कह दिया। उड़ जा रे काले से काग मेरी माँ ने जाके कह दिया। क्या बात है दीदी, एक ही बार में गाके खत्म कर दिया। हाँ बहुत ही अच्छा गाते हैं दोस्तों, बहुत प्यारी मीठी आवाज है ना। देखो ये इनका मतलब टेस्ट जो है वो मैं कुछ नहीं बोला, इन्होंने ही किया पूरा। और मतलब इसमें जो भी कमी होगी वो मतलब अपन सुन के और निकलवाते हैं अभी। तो आप सभी दोस्तों को दीदी का सॉन्ग कैसे लगा सावित्री शर्मा? अच्छा सिंगर में क्या नाम रखेंगे आपका, थोड़ा पास आओ माइक के। सिंगर में सावित्री शर्मा। हाँ जी। कोटा जी। कोटा लगा देंगे, लगा। ससुराल का नाम लगाओ अब तो है ना। अच्छा और आपके इधर आओ थोड़ा सा पास में। आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं? सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा आपके बच्चे भी होंगे? हाँ जी। अच्छा कितने हैं? दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा जी। अच्छा तो दो बच्चे हैं इनके और ये खुद भी मतलब सरकारी टीचर है। हमें भी लगा दो ना आपकी स्कूल में जॉब। दीदी हंस क्यों रहे हो, हमें भी लगा दो ना।